मोदी फिर आएगा। तुम बहुत घटिया आदमी, गेट बंद है, आना है तो फिर की बात चले आओ। हमारे हिसाब से तो बीजेपी वाला ने गलत कर दिया इसको रखने में। बहुत आगे इंडिया आगे बढ़ गया बहुत, और सरकार को रोक देगा कि मतलब दिल्ली नहीं जाओ, बिहार में काम करो। अभी हम मौजूद हैं NH 57 पे, मेरे साथ एक यहाँ के NHAI के कुछ स्टाफ मेंबर है, उनसे बात करेंगे कि मोदी का जो पिछला 5 वर्षों का कार्यकाल है, पिछले 10 वर्षों का कार्यकाल है, वो कैसा रहा? मोदी बहुत, मोदी का अच्छा बहुत रहा। हाँ। मोदी फिर आएगा। क्या आपको उनका काम अच्छा लगा? सब काम अच्छा लगा, जो भी काम किया अच्छा किया, गरीब का हक में सबसे अच्छा किया है। आपको किस योजनाओं का लाभ मिला है अभी तक? सब कुछ योजना मिला है। तो आपको लगता है कि कुछ और बदलाव करने चाहिए मोदी सरकार को, आपकी तरफ से कोई सुझाव? और आगे बढ़ेगा मोदी सरकार, और आगे अथी मिलेगा। आपको लग रहा है बिहार में सब कुछ सही चल रहा है? सही, एकदम सही चल रहा है। शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था से जुड़े सारी सब सही चल रहा है। राहुल गांधी अभी भारत जोड़ो यात्रा कुछ दिन पहले कर रहे थे, तो लगता है कुछ उनका इफेक्ट पड़ेगा भारत जोड़ो यात्रा? कुछ हो नहीं, उसका बस का नहीं है, उसका बस का नहीं है, उसका बस का नहीं है। आपको लग रहा है कि मोदी सरकार का जो गवर्नमेंट का पिछले 5 वर्षों का, पिछले 10 वर्षों का जो कार्यकाल रहा है, वो कैसा रहा आपकी नज़र में? हमारे नज़र में तो अच्छा रहा है। अच्छा रहा। क्या कुछ उनकी जो आप कुछ बता सकते हैं, क्या अच्छा किया मोदी सरकार की गवर्नमेंट में? आवास के योजना में, आयुष्मान कार्ड और में, और जैसे ये हुआ सेना के तैनाती और में, देशभक्ति के लिए हम सही हैं। नीतीश जी को जो है 13 की 12 को पता चल रहा है जो दिए हैं सीट, उनको उससे उतना सीट नहीं देना चाहिए बीजेपी को। अच्छा अच्छा क्योंकि वो उससे बहुत चिढ़ रहा है आदमी, बहुत घटिया आदमी मुख्यमंत्री है, उसको 10 बरस जो है कुछ विकास नहीं किया। तो वर्तमान में हम वार्ड मेंबर भी हैं, वार्ड मेंबरों के लिए कुछ नहीं सोचा है, मुखिया के जो दे रहा है अपन खा रहा है पी रहा है, जो मन हर मर्जी रहा, पूरा बिहार के वार्ड नंबर जो है से नीतीश कुमार पर गरमाया हुआ है। तो आपको लगता है कि नीतीश के साथ जो बीजेपी ने फिर से अलायंस किया है, क्या लग रहा है कि फिर से नीतीश कुमार पलटी मार सकते हैं? पलटी अगर देखिए पलटी यही तो, इसीलिए तो तेजस्वी यादव कह रहे हैं पलटू राम, आप पलटू चाचा भी कहते हैं उसके, जो 10 वर्ष में 9 बार मुख्यमंत्री बना है लेकिन विकास के दौर कुछ नहीं किया है। क्या लग रहा है इस बार चुनाव का माहौल देख रहे हैं, लोकसभा चुनावों का तारीखों का ऐलान हो चुका है, बीजेपी और जेडीयू में फिर से अलायंस हो चुका है, तो क्या लग रहा है कुछ फिर से सरकार यही आने वाली है, कुछ बदलाव होगा? यही आएगा कि और कौन आएगा? अच्छा और कौन आएगा? और कौन मतलब हाँ, तो लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने इस बार बहुत सारी नौकरी बांटी नीतीश की गवर्नमेंट में, ऐसा मतलब प्रीवियस कुछ वर्षों में नहीं था, तो लग रहा है कि मतलब आप जो सरकार आएगी उसमें गठबंधन के साथ नौकरियां लोगों को मिलेगी? इससे क्या होगा, नौकरी दे दिया चाहे कुछ दे दिया, इससे क्या होगा? नौकरी से लोगों को रोजगार मिलेगा, लोग जो बाहर जा रहे हैं दिल्ली बम्बई कमाने के लिए जा रहे हैं, उसमें वो उनको अपने गाँव में अपने क्षेत्र में अपने जिले में काम मिलेगा। कौन रोक देगा इसको जाने से? नहीं वो तो आपकी बात सही है, लेकिन कौन, कोई माँ या कोई बाप नहीं चाहेगा कि मेरा बेटा मेरे से दूर होकर काम करे। हाँ तो वो तो बाप तो चाहेगा कि हमारा बेटा दूर होकर नहीं चले, और सरकार कौन रोक देगा कि मतलब दिल्ली नहीं जाओ, बिहार में काम करो। नीतीश सरकार की भी बात कर रहे हैं हम, उनके अलायंस, जैसे बीजेपी ने उनके साथ अलायंस किया, गठबंधन किया, क्या कुछ तो बात रही होगी, क्या लगता है? कौन नीतीश कुमार के साथ फिर से अलायंस किया है, गठबंधन किया बीजेपी ने? हाँ तो सही किया या बताइए? हमारे हिसाब से तो बीजेपी वाला ने गलत कर दिया, इसको रख लिया। क्या लगता है दोबारा पलटी मार सकते हैं लोकसभा के बाद? कौन? नीतीश कुमार जीतेगा तो उन्हें पलटी मारेगा। तो बीजेपी और जेडीयू का तो गठबंधन हो चुका है। गठबंधन हुआ था इसीलिए तो उसमें गठबंधन कर लिया। अच्छा अच्छा हाँ सुना था कि सुना था कि गेट बंद है, आना है तो खिड़की बाटे चले आओ। अच्छा अच्छा खिड़की खुला है, सम्राट चौधरी जी ने भी ये बात कही थी। अब कौन कहा था, इतना तो हम पढ़े लिखे नहीं या टीवी तो नहीं देखते हैं। राहुल गांधी भी भारत जोड़ो यात्रा कुछ समय से कर रहे हैं, तो लग रहा है कि राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा कहीं ना कहीं चुनावी फैक्ट डालेगी? कुछ नहीं डालेगा। स्वास्थ्य संबंधित सेवाएं कैसी है, मतलब बिहार की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है बहुत ही लचर मानी जाती है, क्या लगता है स्वास्थ्य में कुछ मतलब अपडेट किया गया है मोदी सरकार की, या बस आयुष्मान कार्ड बांट रही है मोदी सरकार? हाँ मिल रही है। तो दरभंगा एम्स कई वर्षों से कागजों पर लटका हुआ है, अब जो लोकसभा चुनाव है इसमें लग रहा है आपको कहीं ना कहीं वो लोगों तक वो पहुँच पाएगा उसका? देखिए उम्मीद तो इंसान को है अभी तक मोदी सरकार की, कोई चार काम आप गिनवा सकते हैं जो आपको अच्छे लगे हो? देखिए चार काम तो है ही है, बताइए कोई एक उसमें से। तो मान लीजिए गरीब आदमी जो है कि आयुष्मान भारत कार्ड पे जो है इलाज नहीं करवा पाते थे, ना मिलते थे, बनाने के लिए सोचना पड़ता था इंसान को,
अब वो चीज़ का समस्या को हल कर दिए कि अनेक व्यक्ति बना सकता है। राम मंदिर भी इस बीच में मोदी सरकार ने बनाया। अच्छा, राम मंदिर भी जो है कि मान लीजिए इतने पहले से सारा सरकार लगा हुआ था, लेकिन आज तक तो कोई नहीं बना पाया, लेकिन मोदी ने बना को दिखा तो दिया। कहीं ना कहीं लगता है कि मोदी सरकार को राम मंदिर का भी एक वोट बैंक में बहुत बड़ा फायदा मिलेगा। मिलेगा, मिलेगा क्यों नहीं मिलेगा, काम अच्छा करेगा तो होगा ही।